तेरे सनी और सीना में झलके पसीना तुम्हारे बेदा को नगीना हम करे मोरो जीना तुम्हारे बेदा को नगीना मुस्कन करे मोरो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कन्नौज। तुम्हारे बेदा को नगीना। और अब कन्नौज को छोड़ने का टाइम आ गया। आपने लास्ट व्लॉग में यहाँ की आरती देखी होगी, यहाँ का मार्केट देखा होगा। यहाँ पे गंगा आती है लेकिन थोड़ा सा कन्नौज शहर से थोड़ी दूर है, तो मैं यहाँ रुक गया। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया है कि मेरे को सिर्फ गंगा नदी जो है उसके आसपास के गांव, वहाँ का खान पान और वहाँ का कल्चर एक तरह से या लोगों के बारे में बात हो सके, वो मेरा मकसद है। आज जा रहा हूँ मैं कानपुर। हाय, कानपुर जाना मुझे। तो कानपुर जाना है तो कानपुर इधर कहाँ जा रहे हो आप? मेन रोड तो यही है ना? हैं, गलत आ गए। कानपुर आप बस से जाएंगे भाई? रोड ये ट्रेन से? नहीं, मैं लिफ्ट से जाऊँगा। लिफ्ट लेके जाओ? हाँ, मैं उत्तराखंड से आया हूँ, यहाँ लिफ्ट लेके पश्चिम बंगाल तक जाना ना मुझे, तो आज कानपुर जाऊंगा। ऐसे रुक रुक के जा रहा हूँ मैं। तो आप कानपुर जाएंगे? पहले कानपुर जाऊंगा। ये बड़ी गाड़ियाँ इधर ही रुकेंगी ना? बड़ी गाड़ी मेरे भाई हाईवे आगे पड़ेगा। हाँ, कितना होगा लगभग? यहाँ से समथिंग 2 किलोमीटर होगा। 2 किलोमीटर? हाँ, रिक्शा में चला जाऊँगा ना। हाँ, यहाँ से रिक्शा में चला जाता हूँ। 10 रुपये लेते हैं ना ये? हाँ, 10 रुपये लेंगे। मैं उत्तराखंड जहाँ से गंगा बनी है देव, वहाँ से आया हूँ। और मैं उसके आसपास के सारे शहर गांव घूमते हुए फिर यूट्यूबर हैं आप? हाँ, गंगा सागर तक जाऊँगा। नाम से भैया? पथरीली पगडंडी। अरे सब दिखाना पड़ता है हमारी गाड़ी। ठीक है, वीडियो ऐसे रहने दो। माल उतारना भैया। ठीक है, धन्यवाद। देखो कैसे बैठा हूँ। पूरी दुनिया में यही से सप्लाई होता है। हाँ, लेकिन फिर कंपाउंड बनाकर बेस तैयार किया जाता है परफ्यूम के रूप में। हाँ, लेकिन जो बेस है उसकी रूह वो यही तैयार होती है। अच्छा। वो दुनिया में नहीं तैयार होती कहीं। और पूरी दुनिया में यहीं से जाता है? पूरी दुनिया यही सप्लाई है, अरब से लेके खाड़ी देशों से लेके यूरोप तक जितना परफ्यूम है वो जाता सब बेस कन्नौज में ही तैयार होता है। खुले नहीं अभी मेरे पास। अरे खुदा, खुले नहीं है। अरे यार, जिस ऑटो में मैं बैठा था उन्होंने मेरे से पैसे भी नहीं लिए। एक चीज़ तो महसूस हो रही है वैसे, अगर आपका लक्ष्य बड़ा हो ना, लोग जब गंगा से गंगा सागर सुनते हैं अपना आप ही हेल्प के लिए हाथ बढ़ा देते हैं, कुछ ना कुछ मदद करने का। अब जो देखियो आपके उनकी नजर किधर किधर गई, वो देखो भगवान कसम जिधर जिधर उनकी नजर गई बिल्कुल जेल ही तक नहीं है। ये जो फ्लाईओवर है ना, इसको पार करके वहाँ उस पर चढ़ना है, वहीं से लिफ्ट मिलेगी। फ्लाईओवर में मैं चढ़ गया हूँ, देखो उधर से आया मैं, काफ़ी दूर चल के आया हूँ मैं। वो जहाँ से वो आपको बाइक आते हुए दिख रहे होगी ना लाइट जली हुई, उससे भी कहीं आगे से आया हूँ मैं। लगभग 1.25 किलोमीटर यहाँ तक चला हूँ मैं। और ये है मेरा बैग और इधर ही कानपुर जाना है मुझे। कार आ जाएगी? कोई कार आएगी? प्राइवेट गाड़ी तो आएगी कोई? अरे ये कार आएंगी ना, कार आएगी, कार के गोरे गाल नैन कजलारे, गोरे गाल नैन कजलारे। ले जा रहे हो मुझे? कहाँ तक जा रहे हो? ले जाओ मुझे। अरे यार, मैं इधर जा रहा हूँ। कहाँ? सागर मऊ साइड। कानपुर से कितनी दूर?
अच्छा ठीक ठीक है ठीक है, धन्यवाद। आज हड़ताल भी है, ट्रक वाले तो शायद ना मिले, कोई कार वाला अगर मिल जाए आज तो ठीक है, नहीं तो कहाँ तक जा रहे हो भैया? कहाँ तक जा रहे हो? कानपुर। मेरे को ले जाओ, कानपुर ही जाना मुझे। नमस्ते इंडिया। वो क्या है? दूध की फैक्ट्री ना। तो मेरे को कानपुर शहर जाना है, कहीं भी छोड़ देना आप। हाँ तो वहीं जा सकते हैं। हाँ ठीक ठीक है। कैमरा लिया हुआ है? हाँ वीडियो बनाता हूँ ना। क्या तो लिफ्ट तो मुझे मिल गई है, लगभग मैं आधा पौन घंटे से खड़ा था क्योंकि आज हड़ताल भी है ना। तो भैया ने दिया मुझे लिफ्ट। भैया आपका नाम? मेरा नाम पंकज है। पंकज, आप कहाँ से भैया? मैं नोएडा से। नोएडा से? भैया नोएडा से हैं तो अभी इधर कहाँ शहर में से आ रहे हो क्या? नहीं नोएडा से आ रहा हूँ। अच्छा नीचे से आए ना? हाँ वो खाना खाने गए थे ना। अच्छा 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 अच्छा। तो भैया ने पहले से ही इधर लगा रखी थी गाड़ी, तो भैया ने रोक दी। काफ़ी लोगों ने रोकी तो थी, कुछ लोग लखनऊ जा रहे थे, कुछ इधर उधर जा रहे थे, तो मिल गए लिफ्ट। अब भैया जा रहे भी कानपुर ही है ना, डायरेक्ट लिफ्ट के लिए। ठीक है पंकज भाई, थैंक यू आपका। इलाज नहीं हुआ होगा गाड़ी। लव चलिए, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो यहाँ तक मैं पहुँच गया, भैया ने लिफ्ट यहीं तक आए थे भैया, जिनसे मैंने लिफ्ट ली थी पंकज भाई, उन्होंने मुझे यहाँ छोड़ दिया। इसी कंपनी में आए हैं भाई, तो अब मुझे जाना है कानपुर। कानपुर यहाँ से 20 किलोमीटर है। आप पथरीली पगडंडी? पथरीली पगडंडी। और आप? अच्छा है? ना मैं उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से मैं लिफ्ट लेके आया हूँ यहाँ तक, और गंगा से गंगा सागर तक जाऊँगा। हाँ ना, गंगा जहाँ से बनती है ना उत्तराखंड से, वहाँ से चला हूँ मैं, पश्चिम बंगाल तक जाना है मेरे को ऐसे ही। आपको क्या नाम भैया? सूरज। ये सूरज भाई मिले मुझे। आप कहाँ पे हो? कानपुर से हैं भैया। तो अभी शायद कोरियर का काम करते हो ना आप? हाँ। तो अभी मिले तो इन्होंने चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया मेरा। थैंक यू सो मच भैया। सूरज भाई ठीक है? हाँ बिल्कुल। हाँ मैंने जहाँ भी थोड़ी देर पहले चाय पी ना, ये जगह है, वहाँ से मैं यहीं तक आया हूँ बस। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है कानपुर, लिफ्ट तो खैर मिल ही जाएगी, लेकिन देखते हैं अभी कितनी देर में। यहाँ पे मेरे को आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गया और अभी तक कोई लिफ्ट नहीं मिली। यहाँ पे लिफ्ट इसलिए नहीं मिली कि जो मैं लिफ्ट देते हैं मुझे जो लोग वो हैं ट्रक वाले, जो मुझे लिफ्ट देते हैं वो ट्रक वाले देते हैं ज़्यादातर, या छोटे पिकअप वाले। तो ये लोग शहर में जाते नहीं, अब शहर यहाँ से कुल 20 किलोमीटर दूर है। तो ऐसे कुछ लोग तो रोक ही नहीं रहे हैं, और कुछ लोग जो है बता रहे हैं कि हमने मार्केट में नहीं जाना है, काफ़ी दूर जाना है, तो वो फिर इस वजह से काफ़ी लेट हो गया। आप कहाँ से? भी
हड़ताल है, बहुत सारे लोग आपको तो दिख रहे हैं, ये गाड़ियों का इंतजार कर। ठीक है भैया, धन्यवाद अंकल जी, नमस्ते। कानपुर सिटी में पहुंच गया हूं और यहां से मुझे जाना है सरसैया घाट, जो कि है यहां से 6 से 7 किलोमीटर दूर। और हड़ताल है आज, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, तो उसकी वजह से मुझे पैदल भी जाना पड़ सकता है। वैसे तो कोई ना कोई लिफ्ट दे देगा, मुझे पता है, रिक्शा कर लूँगा फिर देखते। अभी मैं रावतपुर के लिए बैठा हूँ, यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है शायद, ये 2 किलोमीटर है ना अंकल जी, 1 किलोमीटर है बस, तो 10 रुपये लेंगे मेरे से। बहुत दिक्कत है लोगों को, मेरे को तो आदत है खैर, पर तब भी बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। यहाँ से जहाँ से उन्होंने उतारा है वहाँ से लगभग 9 किलोमीटर था।